बेसिक रिएक्शन हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉस्फोनॉल पाइरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉस्फोनॉल पाइरुवेट, इससे क्या बना ऑक्सलो एसिटेट, ऑक्सलो एसिटेट से क्या बना मैलिक एसिड। ठीक है, एक बेसिक रिएक्शन है। ये तो मैलिक एसिड बना, ये अगर डिसोसिएट होता है तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ डिसोसिएशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ डिसोसिएशन, स्टोमेटा माइट ओपन ड्यूरिंग द डे और स्टोमेटा माइट ओपन ड्यूरिंग द नाइट्स। ठीक है, जो तो स्टोमेटा रात में खुलते हैं उनको हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, मैलिक एसिड का दूसरा फेट क्या है, कि वो फॉस्फोनॉल पाइरुवेट रीजनरेट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में रिलीज हो जाती है। इसको रीजनरेट करेगा, पीईपी को रीजनरेट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, सी फोर साइकिल। ये साइकिल है सी फोर साइकिल, पीईपी प्लस ऑक्सलो एसिटेट, ऑक्सलो एसिटेट गेट्स कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड एंड अगेन पीईपी इज रीजनरेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। दिस इज सी फोर साइकिल। ठीक है, इसके पैरेलल हमने आपको सी थ्री साइकिल का जस्ट एक इंट्रोडक्शन बताया। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय अ फाइव कार्बन कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज आरयूबीपी, दिस कंपाउंड इज राइबोलोस बिसफॉस्फेट। ये कंपाउंड जो है दिस इज आरयूबीपी। नाउ इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबंडेंट देन आरयूबीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड विच इन टर्न फॉर्म्स थ्री कार्बन कंपाउंड, इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। दिस थ्री कार्बन कंपाउंड इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इंटू स्टार्च। ठीक है, थ्रू सेवरल इंटरमीडिएट। इस साइकिल को हमने क्या बोला, सी थ्री साइकिल। नाउ वी कॉल दिस सी थ्री साइकिल सिंपली बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड। सिमिलरली द सी फोर साइकिल इज कॉल्ड सी फोर साइकिल बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज ऑक्सलो एसिटेट विच इज द फोर कार्बन, विच इज अ फोर कार्बन कंपाउंड, राइट। दिस साइकिल इज सपोर्टेड बाय काइंड ऑफ एनाटमी, एनाटमिकल फीचर ऑफ सर्टेन प्लांट्स। दिस एनाटमी इज नेम्ड और इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, राइट। ये इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। द डिफरेंट नेम्स आर हेलो एनाटमी, क्रैम्स एनाटमी, रैथ एनाटमी। Then coming to the second slide. Now this is the kind of anatomy we are talking about. Bundle sheath cells have larger chloroplast, but there is no granion in them. The mesophyll cells have smaller chloroplast with granum. Granum is the site of light reaction. Granum is the site of light reaction. Whenever light reaction would occur, light reaction produces oxygen as a byproduct. Oxygen is produced. This rubisco enzyme, which helps in acceptance of carbon dioxide by RuBP. This rubisco enzyme, now it shows oxygenase activity. If in the vicinity, in the surroundings of rubisco ke aaspaas, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इफ इन द विसिनिटी ऑफ रुबिस्को कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज, इट शोज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। एज अ रिजल्ट दिस आरयूबीपी इज कन्वर्टेड इनटू अ थ्री कार्बन कंपाउंड एंड अ टू कार्बन कंपाउंड। द प्रोसेस इज नोन एज लाइट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन। आरयूबीपी शुड हैव बीन अवेलेबल टू एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन दिस केस आरयूबीपी मॉलिक्यूल got broken down, वो टूट गया। It is a loss to the plant. Photorespiration is a kind of loss to the plant. Now by using this anatomy, that is different kind of chloroplast in bundle sheath and mesophyll, these plants escape this photorespiration. They are able to actually survive in very can say high intensity of light conditions. They can survive in those areas where light intensity is pretty high, or you can say where oxygen concentration
is relatively more. Or in other terms, you can say they can survive in even in those conditions where carbon dioxide concentration is relatively less in comparison to oxygen concentration.